प्यारे बच्चों, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हमारा पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी, लगातार चल रहा है, जिसमें हमने पिछली कक्षा में एक व्याख्या के माध्यम से पढ़ा कि किस प्रकार से कुतर्की स्त्री शिक्षा को अनर्थ का कारण मानते हैं, जबकि स्त्री शिक्षा देश के विकास में अपना योगदान देती है, देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करती है, परंतु कुतर्कियों का कहना है कि स्त्री शिक्षा से क्या होते हैं, अनर्थ होते हैं। देखिए बच्चों, आज हम आपको पेज नंबर 64 पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी किताब का पेज नंबर 64 खोलिएगा। सबसे पहले पेज नंबर 64 खोलकर उसमें पेज नंबर 64 पर ऊपर देखिएगा और समझिएगा। देखिए हम शुरू करते हैं पेज नंबर 64 से। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और गृहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगी। देखिए यहाँ कुछ कठिन शब्द है। विक्षिप्तों का अर्थ है पागल, कठिन शब्द। देखिए विक्षिप्त जो शब्द है, पागल होता है, ये बहुवचन है तो उसका होगा पागलो। इसके आगे लिया गया है बात व्यथितो। देखिए बात एक रोग होता है, ठीक है, जो बात रोग से व्यथित होते हैं, व्यथित का मतलब होता है दुखी होना, उसको कहा जाता है बात व्यथितो। और ग्रह ग्रस्तों का अर्थ है कि जो काल चक्र से ग्रसित, यानी इसमें तीन नाम दिए गए हैं, विक्षिप्तों, पागलों, बात व्यथितों, बात रोग से दुखियों, और ग्रहग्रस्त यानी काल चक्र से जो ग्रसित होते हैं उनको कहा गया। के सिवा यानी अलावा, ऐसी दलीलें का अर्थ होता है विचार। ऐसी दलीलें यानी ऐसे विचार पेश का अर्थ होता है प्रस्तुत करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे, यानी ऐसे विचार प्रकट करने वाले संसार में कितने लोग मिलते हैं, बहुत ही कम, यानी विरल मिलते हैं। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई। यहाँ द्विवेदी जी ने कुतर्कियों के सामने एक प्रश्न प्रस्तुत किया है कि शकुंतला ने दुष्यंत को जो कटु वाक्य कहे थे, कटु वाक्य का मतलब होता है कड़वे वचन, कौन सी अस्वाभाविकता यानी स्वभाव के खिलाफ कार्य किया था या स्वभाव के विरुद्ध कार्य किया था। इसके बाद द्विवेदी जी और क्या कहना चाहते हैं, क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर विवाह का अर्थ होता है प्रेम विवाह करके मुकुर गई। मुकुरना का मतलब होता है अपनी बात से पलटना, ठीक है, वादे को तोड़ना। देखिए सबसे पहले यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि इसमें लिया गया है कि क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र किसको कहा गया है, दुष्यंत को कहा गया है। शाबाश का मतलब उसकी प्रशंसा करती, उसकी तारीफ करती, उसकी पीठ थपथपाती, शाबाश बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ प्रेम विवाह करके मुकुर गई। कहने का मतलब है कि शकुंतला ने दुष्यंत को जो कटु वचन कहे थे ये उसकी एक सामान्य कारण था, यह उसकी अस्वाभाविकता नहीं थी, इसमें उसने कोई गलत कार्य नहीं किया, क्योंकि एक सामान्य स्त्री के साथ भी उसके पति के द्वारा यदि ऐसा व्यवहार किया जाता है तो वह कटु वचन ही कहेगी, न कि मीठे वचन। तो शकुंतला ने दुष्यंत को जो कटु वचन कहे थे उसमें उसने कोई गलत कार्य नहीं किया। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष क्या है, मूर्ति है। देखिए यहाँ एक शब्द दिया गया है सदाचार, क्या होता है ये सदाचार, मतलब अच्छा व्यवहार। नीति न्याय होती है, न्याय भी न्याय होता है, सदाचार यानी अच्छा व्यवहार, और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है यानी रूप है, मूर्ति का मतलब रूप होता है। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित यानी जरा भी थोड़ा भी ज्ञान नहीं रखते। इसके बाद वेदी जी आगे क्या कहना चाहते हैं, सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। देखिए यदि इतिहास को उठाकर देखा जाए तो इतिहास में हमने सीता का नाम पढ़ा है, उसके जीवन की कहानी भी पढ़ी है कि सीता से अधिक साध्वी यानी सादगी भरा जीवन जीने वाली, ठीक है, पवित्र और मीठे वचन बोलने वाली, सर्वगुण संपन्न, ये साध्वी के कुछ गुण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं।
समाज में नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्यनी बुरे वाक्य बुरे वचन कहाए उसी ने परित्यक्त, परित्यक्त का मतलब होता है अलग होना, परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है। देखिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जिस कवि ने शकुंतला नाटक में शकुंतला से दुष्यंत के विषय में कुछ बुरे वचन कहाए थे, उसी कवि ने अलग होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में भी कुछ कटु वचन कहाए थे, वो शकुंतला नाटक में लिखे गए हैं। क्या कहा सीता ने श्री रामचंद्र के विषय में, कौन से कटु वचन कहे थे? वाचस्यत्वा मद्वचनात् स राजा वहो विशुद्धामति यत्समक्षम माम लोकवाद श्रवणाद हासिहि श्रुतस्य तात्क्यम सैदृशम कुलस्य। देखिए कुछ पंक्तियां हैं गहरे काली, उनको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें इसका अर्थ बिल्कुल इसके नीचे दिया गया है। ये उस समय की बात है जब सीता को फिर से वनवास भेजा गया था। किसके कारण? लोकापवाद के कारण, ठीक है, मिथ्या के कारण। कुछ ऐसी झूठी बदनामी सीता के समाज में हो गई थी जिससे सीता को फिर से वनवास जाना पड़ा। उस समय लक्ष्मण उसे छोड़ने गया था। सीता ने लक्ष्मण के जरिए श्री राम को जो संदेश भेजा था, संदेश के माध्यम से जो कटु वचन कहे थे वो इसमें दिए गए हैं। देखिए सीता क्या कहती है लक्ष्मण से, लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना। यहाँ अपने पति परमेश्वर को सीता ने पति नाम न देकर, स्वामी नाम न देकर क्या नाम दिया है? राजा। तो इस राजा में ही कटु वचन छिपा हुआ है। लक्ष्मण उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूद कर अपनी विशुद्धता, अपनी अपवित्रता साबित कर दी थी, तिस पर भी यानी उस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद यानी झूठी बातें, ठीक है, लोकापवाद झूठी बदनामी बेकार की बातें सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया। जैसा कि रामायण में इसका प्रसंग आता है कि सीता को जब रावण के वहाँ से लाया गया था लंका पर जीत प्राप्त करने के बाद, तो वनवास यानी वन में ही उसकी अग्नि परीक्षा ली गई थी। फिर से अयोध्या में आने पर लोकापवाद उत्पन्न हो गया, मिथ्यावाद, और मिथ्यावाद के कारण फिर से सीता को क्या झेलना पड़ा? वनवास यानी संकट झेलना पड़ा। उसके बाद सीता और क्या कहती है, क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? कुल का अर्थ होता है परिवार। कुल का अर्थ क्या होता है? परिवार। सीता कह रही है कि क्या यह बात कि किसी स्त्री को बार बार पीड़ित करना, किसी स्त्री पर बार बार अत्याचार करना, किसी स्त्री को बार बार परेशान करना तुम्हारे रघुवंश यानी कुल के अनुरूप है? क्या शोभा देती है? अथवा क्या यह है तुम्हारी विद्वता यानी बुद्धिमानी या महता महानता को, एक राजा के पद को क्या देने वाली है? शोभा। तो इस प्रकार से सीता ने अपने पति को क्या कहे थे? कटु वचन। तो यहाँ भी सीता के द्वारा जो पति को कटु वचन कहे गए थे इसमें कोई उसकी अस्वाभाविकता नहीं थी। आगे हम आपको ले चलते हैं इसी पेज नंबर 64 पर। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र, मात्र का मतलब होता है केवल, राजा मात्र कहकर उनके पास अपना क्या भेजा था? संदेश भेजा था। यह उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कथन। उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की न किंतु महाभ्रम ज्ञानी राजा जनक की लड़की, यानी ये जो कथन किसके थे? किसी गंवार स्त्री के नहीं थे, महाभ्रम ज्ञानी, ज्ञानियों के जो ज्ञानी थे राजा जनक उसकी लड़की, और मनवादी इस महर्षियों के धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली किसके थे? रानी सीता की। तो इस प्रकार से यहाँ शकुंतला और सीता का जिक्र किया गया है। कुछ पंक्तियां फिर दी गई है आपको, उनको भी आप ध्यान से देखेंगे। नेपस्य वर्णश्रम पालनम यत स ए मनो मनुना प्रणीत। इसमें कहा गया है कि सीता की धर्म शास्त्र ज्ञाता, यानी सीता धर्म शास्त्र को जानने वाली थी, धर्म शास्त्र की जानकार थी, धर्म शास्त्र की ज्ञाता थी। सीता की धर्म शास्त्र ज्ञाता का यह प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है सबूत। प्रमाण का क्या होता है? सबूत। यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। क्या?
सीता परित्याग, सीता परित्याग का मतलब होता है सीता का परित्याग यानी अलग होना, परित्याग का मतलब होता है अलग होना। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के नाम से आप खूब परिचित हैं, जानते हैं, जिसने धार्मिक ग्रंथ, भारतीय धार्मिक ग्रंथ है रामायण, इसकी रचना की है। वाल्मीकि के समान शांत नीतिज्ञ, नीतिज्ञ का मतलब होता है नीति का जानकार या नीति के ज्ञाता, जो नीति को जानता है, नीतिज्ञ यानी नीति को जानता है या नीति के ज्ञाता। और क्षमाशील तपस्वी तक ने असत्य मनु भरताग्रजे, ये कोई ग्रंथ का नाम है, ठीक है, मैं कहकर रामचंद्र पर क्या प्रकट किया है, क्रोध प्रकट किया है। अतः यानी इसलिए शकुंतला की तरह अपने परित्याग को, अपने अलग होने को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य, कटु वचन कहना सर्वथा सदैव स्वाभाविक है यानी उचित है। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है कि विरोधियों ने यही कहा है कि सीता ने और शकुंतला ने अपने अपने स्वामियों को जो कटु वचन कहे थे उसमें उसकी पढ़ाई को दोषी माना है कि यदि वो पढ़ी लिखी नहीं होती तो इस प्रकार से अपने पति को कटु वचन नहीं कहते। लेकिन एक साधारण सी बात यह सामने आती है कि किसी भी स्त्री पर इस प्रकार का जब अत्याचार किया जाता है, किसी भी स्त्री के साथ इस प्रकार का जब बर्ताव व्यवहार किया जाता है, तो बेटा उसके मुख से कटु वचन ही निकलेंगे, न कि मीठे वचन। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गवानपन का और न अकुलीनता का यानी अभद्रता का। इसी पेज नंबर पर लास्ट कुछ पंक्तियां हैं, इनको भी आप इसी में शामिल करेंगे। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे क्या हो अनर्थ हो। द्विवेदी जी ने साफ कहा है, साफ साफ शब्दों में, कि जो भी अनर्थ होता है, अनर्थ का मतलब सर्वनाश, सत्यानाश, सब कुछ नष्ट होना, सब कुछ छिनना, कि जो अनर्थ होता है उसमें पढ़ने लिखने को दोषी नहीं मान सकते, उसमें शिक्षा को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। अनर्थ किससे होता है आपको ये समझना है। अनर्थ का बीज उसमें यानी किसमें, शिक्षा में, पढ़ाई में हरगिज यानी बिल्कुल नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अनपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से होते हैं। देखिए इसमें ये तो है नहीं कि अनर्थ केवल स्त्रियों से होते, पुरुषों से भी होते हैं, और ये भी नहीं है कि पढ़े लिखे अनपढ़ों से, यानी अनपढ़ों से भी होते हैं और पढ़े लिखे से भी होते हैं, स्त्रियों से भी होते हैं और पुरुषों से भी होते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं। एक बात निकल कर आई है कि अनर्थ किससे होते हैं, दुराचार और पापाचार। देखिए दुराचार और एक है पापाचार, क्या है ये बेटा देखो, दुराचार दुर प्लस आचार, पाप प्लस आचार, यानी दुर का मतलब होता है बुरा और पाप का मतलब भी बुरे से लिया गया है, कि जिसका आचार, आचार का मतलब व्यवहार होता है, पाप जैसा हो, जिसका व्यवहार बुरा हो वो दुराचार और पापाचार होता है। तो इसमें एक बात यह सामने आई है कि अनर्थ किससे होता है, दुराचार और पापाचार के कारण होते हैं, और वो किस प्रकार पहचाने जाते हैं, व्यक्ति विशेष के चाल चलन देख कर जाने जा सकते हैं। इसलिए फिर से द्विवेदी जी ने अपनी बात को रखने पर मजबूर कर दिया है, सोचने के लिए अपनी बात पर बल दिया है कि इसलिए स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। द्विवेदी जी ने बहुत बार प्रयास किया है, प्रयत्न किया है लोगों को समझाने के लिए कि स्त्री शिक्षा से अनर्थ नहीं होते, यदि स्त्री शिक्षा से अनर्थ होते हैं तो पुरुषों से भी होते हैं, यदि पढ़े लिखों से अनर्थ होते हैं तो अनपढ़ों से भी होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अनर्थ का शिक्षा में कोई दोष नहीं है। इसके बाद द्विवेदी जी अंत में यही कहते हैं कि इसलिए स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए कि सारी बातों को भूलकर हमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यह आपकी आज की क्लास थी जिसमें आपने पेज नंबर 64 पढ़ा। बहुत ध्यानपूर्वक समझना इसको, अच्छे से बार बार पढ़ने की कोशिश करना, बार बार समझने की कोशिश करना। इसके बाद जो है कुछ बचा हुआ इस पाठ में अभी, वो आपको अगली क्लास में बताएंगे, तब तक आप इसको बार बार पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।